तुमने? नहीं तो क्या वो आवाज सुनी तुमने? नहीं बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? साहब क्या हुआ साहब? कुछ आवाज आया? हम भाग के साहब का क्या हुआ? अरे बोल। कौन? कौन से आ रही है? कौन कुछ नहीं कर रही है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे हाफने की आवाज आ रही है। और कितनी बार कहा है सोने से पहले ब्रश कर लिया करो। सुनो। हाँ ठीक है, छोटी सी चोई तो थी, ऐसा नहीं कि तुम कोई पलंग तोड़ काम कर रहे थे। हाँ पर पता नहीं फिर भी मुझे कोई अजीब सी फीलिंग हो रही है। कैसी फीलिंग? ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग हमें सुन रहे हैं। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। गुड नाइट सरला। और सोया नहीं क्या रात को? सोएगा भी कैसे, अभी अभी तो शादी हुई है। बंद करा ये आवाज। आज डब्बा अच्छा लगा? आलू गोभी अच्छे थे बट वो रोटी सही से पकी नहीं थी। आटे को तो मैं अच्छी तरह गूंथती हूँ मगर फूलता ही नहीं है। सरला आज मन नहीं है। आज जब से तुम्हें कॉट की चूचू सुनाई दे रही है ना, तुम्हारा मन तो क्या, तुम्हारा तन भी कुछ नहीं कर रहा। ओ मेरे शीतो, तुम क्यों सबके बारे में इतना सोचते हो? मेरे पास आओ ना, तुम्हारा सारा टेंशन दूर करेगी तुम्हारी सेक्स बेबी। अगर तुम्हें यहाँ इतना अनकंफर्टेबल लगता है तो चलो अपना घर लेते हैं। तुम्हें पता भी है बॉम्बे के फ्लैट्स के क्या रेट है? नहीं पता, और पता कराना भी नहीं है। तुम अगर सुधरोगे नहीं ना तो मैं वापस बड़ौदा चली जाऊंगी। लगता है आपे में कुछ करना है, बदलना पड़ेगा। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो मैडम, एज पर एफिडेविट आपको आपके हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए बिकॉज वो आपको मेंटली हरास कर रहा है। ठीक ठीक बोले थी, ठीक बोले थी, am I right? Yes, Your Honor. My Lord, whatever. इनकी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल सरकार की तरह है। पहले तो बार 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 सलाम ठोकते थे मगर अब दिन बर दिन इनकी परफॉर्मेंस गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। इन्हें सेक्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी सेक्स लाइफ बिल्कुल जीरो हो गई है, जीरो। ये इंसान मेरी बढ़ती जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता मेरे लॉर्ड। मैं एक जवान नारी हूं जिसे संभोग में आनंद चाहिए, आनंद। अगर मुझे मिला सिर्फ सन्यास, सन्यास, सन्यास। सरला, सरला, सरला। एक पोता ही तो मांगा था, क्या भगवान इसकी भी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? शांत था, कोर्ट चालू है।
पिछले 25 लाख केसेस पेंडिंग पड़ा है और हम लोग ये क्या चूतिया के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तुम एक काम करो यार, तुम लगाना चालू कर दो और कोर्ट ये जानना चाहती है कि तुम्हारा जो वो है क्यों नहीं होता। क्योंकि रामू, मतलब जज साहब, क्योंकि जब भी मैं तो एक चूसी आती है। फिर मेरा अपने आप। बेटा बेटा व्हाट्सएप पे वीडियो भेजो क्या? बाबा मंजू रहने दो, जाने दो इसको, नालायक सरला, प्लीज गिव मी वन चांस। आई बाबा बाबा, मैं सोच रहा था कि घर में कुछ नया सामान लेते हैं, क्या लगता है आपको? जैसे कि ये सोफा सेट बहुत पुराना हो गया है, मतलब कोई आता है तो अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था, मतलब मेरा ये सजेशन है कि लेदर का सोफा सेट ले लेते हैं। आजकल तो ऑनलाइन कितने सारे ऑप्शंस मिलते रहते हैं यार, हैं नहीं बेटा? बेटा इस सोफे को लिए हुए 20 साल हो गए। वही तो कह रहा हूँ मैं बाबा, मिस्त्री साहब ने इसमें जो रुई डाली है ना, कि आज भी इस पे बैठता हूँ तो इतना आराम मिलता है कि ये टेबल 1995 में बनवाई थी और वो तुम्हारे उस रूम की कॉट जो है। हाँ बाबा, मैं उसी कॉट की बात कर रहा था। मैं सोच रहा, उसकी उम्र तो तुम्हारे जितनी है। हम लोग कालवा देवी में थे जब उसको मंगाया था। अरे तुम्हारे साथ ही इधर शिफ्ट हुई थी और आज तुम चाहते हो कि हम वो सब बेचकर नया सामान ले लें जस्ट बिकॉज कि हम पुराने हो गए। बाबा, अरे डोंट यू हैव एनी वैल्यू फॉर इमोशनल अटैचमेंट? नहीं बाबा, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस खामोश। मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। हमारे जमाने में जब चीजें बनती थी तो टिकने के लिए बनती थी। ये 2-in-1 ले लो, इतना पुराना हो गया है पर आज भी परफेक्ट चलता है। इसे चेक करा लोगे? क्या चेक कराना है, उठा के फेंक दो इसे। फेंक दो?
बाबा। बेटा हम इतने भी ओल्ड फैशन नहीं है, हमने सोचा हम भी कुछ ऑनलाइन शॉनलाइन ट्राई करते हैं। बाबा क्यों? वैसे मैंने भी आपका 2-in-1 ठीक करवा दिया है। अरे वाह, ये तो एक दिन में दो दो काम हो गए। ये सचमुच 2-in-1 हो गया। शुरू मत करो। वही आवाज। हमने अभी तो चेक किया ना। मैंने सुना। अब तो मुझे भी शोर हो गया। ये जो चूचू है तुम्हारे दिमाग के अंदर ही सुनाई देती है। अशपथ मैंने सुना। नहीं है कुछ भी। अरे देखा कुछ नहीं। पुराना कॉट वो तो मम्मी पापा के रूम में। चढ़ सा गया है हर परत, उतर सा गया है। मुझ में ना कुछ मेरा जो बचा है, सारी ही सारी तेरी खता है। बाकी थोड़ा और पास होने दो ना,
सोने दो ना, तुमसे ही शुरू।